हेलो एवरी वन वेलकम बैक अगेन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नाबार्ड ग्रेडे एग्जाम एंड दैट टॉपिक इज करंट अफेयर प्रिपेरेशन फॉर नाबार्ड ग्रेडे एग्जाम नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर आपको पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है नाबार्ड ग्रेडे एग्जाम के लिए एंड धिस वीडियो स्पेसिफिकली इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स प्रिपेरेशन फॉर नाबार्ड एग्जाम ठीक है आपको कहीं पर भी इंटरनेट पे

चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो इफ यूर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम इफ यूर प्रिपेयरिंग फॉर इवन एस एस सी या फिर वो रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि नाबार्ड आरबीआई और सेबी गवर्नमेंट एग्जाम और करंट अफेयर्स का रिलेशन कैसे है पता है आपको जस्ट जैसे कि बर्गर के साथ फ्राइज जैसे कि समोसे में आलू और जैसे कि छोले के साथ बटूरे अगर ये चीजें फ्राइज बर्गर के साथ छोले के साथ बटूरे समोसे में आलू अगर ना हो तो ये जितने भी फूड आइटम्स है इनकी कोई भी टेस्ट नहीं होगी और उनमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा सिमिलरली गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन, एज वेल एज एग्जामिनेशन में भी करंट अफेयर्स का भी ऐसा ही कुछ रिलेशन है ठीक है एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी सिचुएशन बांडिया की तरह हो जाती है बांडिया की तरह इन द सेंस भाई घाघरा चोली ना नहीं मिला तो भी चलेगा लेकिन

में ये ई एस में पूछा जाता है इन फॉर्म ऑफ ई एस आई एंड एर ठीक है देन कम्स सो फेज में भी करंट पूछा जाता है और फेज टू में भी करंट पूछा जाता है सिमिलरली दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये भी फेज वन में पूछा जाता है फेज टू में पूछा जाता है तो ई एस आई एंड ए आर डी में स्टैटिक भी होता है करंट भी होता है जी ए इट्स टोटली करंट सो दीज आर द्री सब्जेक्ट्स ओके जिसका करंट अफेयर्स आपको करना ही होगा Okay, so now we will take each subject and we will try to understand more about, about how the current affair is asked, what are the sources and what is the strategy. Okay. So we got the picture now in both phase one and phase two. These are the three subjects from which the current affairs could be asked. Let's start with the GA, but before that, let us discuss how many months of current affairs.

इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है ओनली टू और इवन वन न्यूज पेपर अलॉन्ग इनफ़ ओके इज ये आपके जनरल अवेयरनेस के सोर्स हो गए पहला ब्रह्मास्त्र आपका स्पॉटलाइट है डायमेंशन ऑफ करंट अफेयर टॉपिक्स विच आर आस्ट इन फेज वन एज वेल एज फेज टू सो एज वी नो लुक एट दिस टॉपिक्स टॉपिक्स फ्रॉम विच करंट अफेयर्स कम्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, ए आई डी रिलेटेड इकोनॉमिक एंड सोशल जनरल नॉलेज जो पूछा जाता है राइट right? फिर है सेंसस गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन बिल एक्ट अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो नाबार एग्जाम के लिए बैंकिंग इकोनॉमी और फाइनेंस के रिलेटेड करंट अफेयर अगर कोई नई पोर्टल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग, ओके देन स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज ओके देन कम्स बुक्स एंड ऑथर नेशनल कैंपेन्स इंटरनेशनल करंट अफेयर्स न्यूज एंड इंपोर्टेंट डेज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे है ऐसा कोई भी डे आपको पूछा जा सकता है नाबार्ड की एग्जाम में यू गॉट ऑल द टॉपिक्स यू कैन इवन रिवर्स दिस वीडियो आप स्लो चला के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो

स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आप तीसरा देख सकते हो साइको मीराबाई चानू मीरा चानू वेट लिफ्टर सबको पता है राइट बट लुक एट द डिफिकल्टी ऑफ द करेंट अफेयर्स क्वेश्चन वेट कैटेगरी पूछी गई है कॉमनवेल्थ गेम्स की मीराबाई चानू की राइट सो नाव यू अंडरस्टैंड हाउ क्वेश्चन इज आस्ट एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्ट इन फेज वन एक्साम इन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन फेज टू में देखते नाव मेनी पीपल थिंक फेज टू में तो जनरल अवेयरनेस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फेज टू में इंग्लिश होता है एस आई होता है बट आपको आपके जो है, उसका आपको नहीं करना होगा फेज वन के लिए फ्रॉम दाबार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जाम ओके इन ट्वेंटी 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 विद कर्नाटका यूनिफाइड मार्केट पोर्टल आपको पता ही है ई e नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट दैट इज ई नैम जो है उसको कर्नाटका के एक पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया था ओके द नेम ऑफ सच पोर्टल वॉज आस्ट इन द एग्जाम इन ई एस आई सेक्शन बट लुक एट द क्वेश्चन द पोर्टल इज आस्ट एंड इज अ फैक्चुअल एंड दिस इज सिमिलर टू जनरल अवेयरनेस ये जो आपका फैक्ट था वो हमारी स्पॉटलाइट मैगजीन में कवर्ड था

ये है फेज टू का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डब्ल्यू टी ओ पॉलिसीज है ड्यूएल इफेक्ट ऑफ ऑन इंडियन इकोनॉमिक कमेंट एंड दैट ऑल्सो फॉर फिफ्टीन मार्क्स नाउ थिंक अबाउट इट डब्ल्यूटीओ पॉलिसीज इट इज अ टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज स्टैटिक ओके ये इकोनॉमी का पार्ट है स्टैटिक इकोनॉमी का पार्ट है डब्ल्यूटीओ पॉलिसीज लेकिन रिसेंट डब्ल्यूटीओ में क्या हो रहा है राइट लिसन वॉट आर द रीसेंट पॉलिसीज ऑफ डब्ल्यूटीओ

डेफिनेटली ना तो आपको कभी पीआईबी न्यूज में दिक्कत आएगी ना ही गवर्नमेंट स्कीम्स में दिक्कत आएगी ओके ब्लाइंडली जस्ट फॉलो हिम डू नथिंग नेक्स्ट इज पी आईबी ऑफकोर्स इज इंपॉर्टेंट बट हर यू हैव टू गो टू द वेबसाइट बल्कि इंफॉर्मेशन इज देयर कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन इज देयर मनी सर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड्स यू सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन ओके सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस वन न्यूज पेपर इज ऑलवेज एडवाइजेबल अलॉन्ग विदीआईबी ठीक है सोशल इश्यूज पॉइंट ऑफ अफेयर्स हो गया, ये इसके हो गया। Now, schemes, indices, current, में जो भी न्यूज आती है वो पूरी सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्ट एंड बिल्स ऑफ गवर्नमेंट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट सच एस सेंस डिफरेंट कमिटी रिपोर्ट यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे एक्सेट्रा तो ये सारा फिर से

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सेकंड क्वेश्चन अमेंडमेंट रिलेटेड टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अगेन अ स्कीम और और एक्ट बिल ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड आजादी से स्कीमोइंग कैंपेन अगेन गवर्नमेंट कैंपेन और इनिशिएटिव सारे क्वेश्चन पी से ही कवर हो सकते ठीक है सो लुक एट योर दीज आर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम फेज वन इन दस आई सेक्शन देन कम्स फेज टू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वी ऑल नो पेज में जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं दीज आर ऑफ पैराग्राफ नेचर सो लुक एट वन पैराग्राफ हैज बीन इज बेस्ड ऑन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ दिया है इस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की एक सब स्कीम बताओ कौन सी है आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल नॉलेज ठीक है सो इन दिस वे यू कुड अंडरस्टैंड दैट हाउ डिफरेंट न्यूज आर देयर

आप कृषि जागरण में एग्रीकल्चरल वर्ल्ड सेक्शन में जाके जितने भी करंट अफेयर्स के न्यूज है आप वहां से कवर करो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक ठीक है है दिस इज 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 वन गुड सोर्स सोर्स द योर मैगजीन इट डिजिटल मैगजीन है टाइम्स ऑफ एग्रीकल्चर पहला पार्ट जो टाइम्स ऑफ एग्रीकल्चर में होता है वो होता है एग्रीकल्चरल अपडेट्स तो हर महीने वो एग्रीकल्चर के जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट न्यूज है वो वहां पर कवर करते हैं एग्री अपडेट्स में आपको बस पहले पंद्रह बीस पेजेस पढ़ने रेस्ट ऑफ द मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ थीम कुछ होता है क्युं? अक्सर एआरडी या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम है या फिर कोई भी एक इनिशिएटिव है कोई न्यूज है तो डेफिनेटली आपको पी आई बी पर एक वॉच रखना होगा कि कौन से कौन से

एग्रीकल्चर का स्टेटिस्टिक्स मतलब जैसे कि जीवीए कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल इन कंट्री ये सारा जो डेटा होता है वो किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको टॉपिकुक एट द्वानिफिकेशन ऑफ नंबर्स ओके तो आप देख सकते हो ट्वेंटी 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 टू मॉर्निंग एंड इवनिंग में लुक एट द चंक ऑफ क्वेश्चन कि कैसे डायनेमिक क्वेश्चन करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा होता जा रहा है इवन सेक्शन में अब आते लेंटिल इस क्रॉप का एमएसपी पूछा है ठीक है वो भी राबी सीजन में ठीक है अब ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली लेंटिल क्रॉप का ही क्यों पूछा है बिकॉज डेफिनेटली

इन अवर ए आर डी करंट अफेयर ठीक है अब यह डेटा आपको तो कहां से मिलेगा डेफिनेटली इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में यह मैं इज हाउ यू हैव टू कवर ए आर डी करंट अफेयर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑनर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश ऑप्शन डे ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन डे इन दाइट

ओके okay? तो ये भी जो क्वेश्चन है पिक्स का ये तो एक्ट ऑफ जो भी पिक्स है इसका अगेन एक टोटल जो आपका ऑक्यूपेशन है एनिमल हस्बेंड्री okay? तो जो स्वाइन का जो हजब्री होता है दैट वॉज ऑन अ स्पेशल मैगजीन ऑफ कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र की एक मैगजीन थी और कुरुक्षेत्र में पोल्ट्री और जो स्वाइन का आ, था उसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी गई थी

मार्क्स ठीक है अब आप ही देखो 2021 में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंपलसरी आया था वो था सीधा सीधा स्टैटिक से क्रॉस ब्रीडिंग क्वेश्चन था लेकिन ये अगर आप क्वेश्चन देखो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये एक एग्रीकल्चरल स्कीम है ठीक है फार्मर से रिलेटेड स्कीम है ठीक है तो इसके ऊपर सीधा उन्होंने कंपलसरी क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लिया ये स्कीम डेफिनेटली आपके मनीष सर के गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर होगी और पीआईबी वर्ड होगी इस तरह से यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर नाबार्ड ग्रेडे एग्जाम फॉर ऑल द्री सब्जेक्ट जी ए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाउ करंट अफेयर्स का कोई भी लिमिट नहीं है बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है करंट अफेयर में सो नोट क्रिएशन इसेंशियल है कि नहीं यस इट इज इसेंशियल इमेजिन करो स्पॉटलाइट मैग्जीन अगर वो सौ पेजेस की है मंथली P.I.B. का जो डॉक्यूमेंट होता है 150 पेजेस पर मंथ गवर्नमेंट स्कीम्स अगेन 150 पेजेस पर मंथ इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कवरिंग इयर्स और सिक्स मंथ ऑफ करंट अफेयर्स, यू आर नोट मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अब नोट मेकिंग आप दोनों तरह से कर सकते हो इधर डिजिटल और इधर हैंड रिटन ओके स्ट ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर अवेयरनेस में पीआईबी में गवर्नमेंट स्कीम्स में और करंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में थेके? इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है पी आईबी so तो के शॉर्ट नोट बनाए इस तरह से आप हैंड रिटर्न नोट भी बना सकते हो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से यहां पर नोट यहां पर अपडेट और यहां पर शॉर्ट समरी दिस इज अफुल वे ऑफ मेकिंग सैम्पल नोट्स सिमिलरली अगर आप बहुत ही डिजिटली एडवांस हो तो आप ऐसे पेपर पे नोट्स मत बनाओ आप बनाओ नोशन पे नोट्स आप एवर नोट पे बना सकते हो आप वन नोट पे इस तरह कैटेगरी आप ऐसे असाइनमेंट्स ऐसे नोट्स ब्यूटीफुली अरेंज करके ऑर्गेनाइज वे में बना सकते हो ओके नोट मेकिंग क्यों इसेंशियल होता है दिस इज बिकॉज थियोरी ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज व्योरी ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम जब भी कोई भी चीज लिखते वी नॉट ओनली राइट इट

The current affairs for NABAD grade A exam. Thank you. I hope this helps in your preparation of current affairs for NABAD exam. See you next time.